हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में, जिसे हिंदी में कृषि वानिकी कहा जाता है। तो आज हम एग्रोफॉरेस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है वो पढ़ेंगे। दूसरा उसके बेनिफिट्स के बारे में, तीसरा एग्रोफॉरेस्ट्री के क्लासिफिकेशन के बारे में, और कुछ इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीशीज़ जो हम एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में ग्रो करा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में। तो एग्रोफॉरेस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है एग्रीकल्चर और दूसरा फॉरेस्ट्री, यानी कि कृषि और वानिकी से। तो कृषि में हम पढ़ते हैं कि फसलों के बारे में, यानी कि फसलों के साथ साथ जब हम वानिकी को भी उसमें शामिल कर देते हैं, वानिकी यानी कि जिसमें हम ट्रीज, शॉप्स और कुछ एनिमल्स को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये जो एक प्रैक्टिस है जिसमें फसलों के साथ साथ पेड़ों को, जानवरों को और कुछ झाड़ियों को, इनको भी शामिल किया जाता है, उसे एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी कहा जाता है। तो कृषि वानिकी कोई बहुत नया सिस्टम नहीं है, ये कोई एक नई प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं। बस ये है कि इसको एक नाम नहीं मिला था, लोग इसे एक जो नॉर्मल खेती होती है उसी ढंग से करते आ रहे हैं, लेकिन इसे एग्रोफॉरेस्ट्री तब नहीं कहते थे। लेकिन पेड़ों के साथ साथ फसलों को और उसमें कुछ जानवरों को और झाड़ियों को, जो कि जिससे उनको लाभ मिले, वो इन्हें शामिल बहुत लंबे समय पहले से करते आ रहे हैं। तो अगर हम साइंटिफिकली इस चीज़ को देखें तो एक अमेरिकन इकोनॉमिक ज्योग्राफर थे जे रसेल स्मिथ, उन्होंने अपनी उनकी किताब है ट्री क्रॉप्स अ परमानेंट एग्रीकल्चर, उसमें सबसे पहले इन अर्ली 20th में उन्होंने एग्रोफॉरेस्ट्री जो ये प्रैक्टिस है इसका जिक्र किया था। और जो एग्रोफॉरेस्ट्री टर्म है ये मिड 1970s में आया एक रिसर्च के दौरान, जो कि रिसर्चर थे जॉन बीन, उन्होंने कनाडा इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर से उन्होंने रिसर्च करी और वहाँ उन्होंने ये जो टर्म था एग्रोफॉरेस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें फॉरेस्ट्री को भी शामिल करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने जो एक टर्म बनाया एग्रोफॉरेस्ट्री, ये वहाँ से निकल के आया। अब हम बात करते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि एग्रोफॉरेस्ट्री से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉइल इम्प्रूवमेंट की। सॉइल इम्प्रूवमेंट यानी कि सॉइल की रिचनेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सॉइल की रिचनेस कैसे बढ़ेगी, जाहिर सी बात है फसलें हम ग्रो कर रहे हैं और ट्रीज़ भी ग्रो कर रहे हैं, श्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं, तो जब इतनी चीज़ें एक लैंड पे ग्रो होगी तो जो सॉइल है वो लूज़ नहीं रहेगी, उसमें रन ऑफ नहीं होगा, तो सॉइल एक तरह से बंधी रहेगी। तो इससे क्या होगा, सॉइल की रिचनेस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब हम फसलें ग्रो करेंगे, यानी कि जो भी हम फसलें ग्रो कर रहे हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, तो उनसे क्या होगा कि हमारी सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। धीरे धीरे जब हम पेड़ उसमें ग्रो होने लगेंगे तो पेड़ों से क्या होगा कि जितना भी पेड़ों से चाहे पत्तियाँ गिर रही हों, चाहे स्टेम गिर रहे हों, चाहे बार्क हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर्स हों, तो ये जब चीज़ें नीचे गिरेंगी ज़मीन पे, तो इससे क्या होगा जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ होने लगेगा, और जब ये ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ होने लगेगा तो सॉइल में कार्बन की मात्रा बढ़ने लगेगी, और जब कार्बन की मात्रा बढ़ने लगेगी तो सॉइल की रिचनेस अपने आप ही बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कि जब हम एग्रीकल्चर के साथ साथ पेड़ों को भी ग्रो कराते हैं तो उस वजह से हमारी सॉइल की रिचनेस बहुत बढ़ जाती है। और सॉइल की रिचनेस बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर जितना बढ़ेगा सॉइल में उतनी कार्बन बनेगी, और उससे क्या होगा कि एक नमी जो है, जो मॉइस्चर है, वो सॉइल में बना रहेगा और उससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जितना भी पानी सोखने की जो क्षमता है सॉइल की वो बनी रहेगी, एकदम से पानी रन ऑफ नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सॉइल को किस तरह से बनाए रखें, क्योंकि अगर हम सिर्फ फसलें ही ग्रो करते हैं तो सिर्फ जो टॉप की लेयर है वो बनी रहेगी, बट नीचे की जो लेयर है वो नहीं बन सकती, क्योंकि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं
उनकी जो रूट्स है वो बहुत डीप नहीं होती हैं, जो पेड़ हैं उनकी रूट बहुत डीप जाती है, तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा, फ्यूल एंड फॉडर। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल के बारे में। फ्यूल यानी कि ईंधन। ईंधन के काम में आने वाले जो वृक्ष हैं वो लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईंधन की कमी के कारण ही किसान अपने पशुओं का लगभग आधा गोबर उपले बनाकर जला डालते हैं। तो जो वो जितना भी वो गोबर उपले बनाने में यूज़ कर रहे हैं, अगर वो गोबर वो अपने खेतों में यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि हमें खाद भी मिल जाएगी और सॉइल की रिचनेस भी बढ़ेगी और हमारी फसल भी अच्छी ग्रो होगी। तो ये जो एक गोबर पे उनकी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, या वो इसका यूज़ ना भी करें, क्योंकि अगर उन्हें बहुत अच्छे से ईंधन की लकड़ी अवेलेबल हो जाती है तो वो इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर दूसरा है फॉडर। फॉडर यानी कि चारा। तो जब हम पेड़ ग्रो कराएंगे, जो कुछ फॉडर क्रॉप्स हैं हम उनको ग्रो कराएंगे, तो जो किसान हैं वो पूरी तरह से एक एग्रीकल्चर क्रॉप पे डिपेंड नहीं रहेंगे। उनको उनको अपने जितने भी जानवर हैं उनको खिलाने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर क्रॉप पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फॉडर स्पीशीज़ भी ग्रो करा सकते हैं, यानी कि मल्टीपर्पज़ स्पीशीज़ भी वहाँ पर ग्रो हो सकती हैं जिनसे उन्हें फ्यूल भी मिल सके और चारा भी मिल सके। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट, अब आप देख सकते हैं कि जो अगर पहले सिर्फ एग्रीकल्चर जो लोग की जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें सिर्फ एग्रीकल्चर यानी कि सिर्फ फसलों से ही फ़ायदा मिलता है, यानी कि अब अगर वो फसलों के साथ साथ ट्री को भी ग्रो कराएं, ट्रीज़ में अगर वो वैल्यूबल टिम्बर यानी कि कुछ बहु उपयोगी जो पेड़ हैं उनको भी वो ग्रो कराएं, तो उनसे मिलने वाली लकड़ी से उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। उस लकड़ी को वो अच्छे दामों में बाज़ार में बेच सकते हैं और उससे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फसलों के साथ साथ उन्हें पेड़ों से लकड़ी भी मिलेगी और साथ में वो सिर्फ वैल्यूबल टिम्बर ही नहीं, वो फ्रूट्स के पेड़ भी ग्रो कर सकते हैं, कुछ मैंगो और सिट्रस फ्रूट्स, ये फ्रूट्स भी वो ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उन्हें एक तो फसल से भी इनकम मिलेगी, पेड़ों से वैल्यूबल टिम्बर से भी मिलेगी, फ्रूट से भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का उनका जो माध्यम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ इम्प्रूव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इम्प्रूव इसलिए होगा क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रीन कवर होगा यानी कि जितनी भी वेजिटेशन होगी उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में मदद मिलेगी और हमारे इन्वायरमेंट में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी ट्री स्पीसीज़ हैं या फसल हैं, जितने भी वेजिटेशन है, वो क्या होगा, CO2 जो हमारे इन्वायरमेंट में उसे एब्जॉर्व करेगी और एक कार्बन स्टॉक हमारा इंक्रीज़ होगा और ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगी। तो इससे इसके साथ साथ जो जितने भी फार्मर्स हैं वो एक प्रकृति के साथ अपना पूर्ण रूप से एक तालमेल बनाए रखेंगे। तो इसमें इसके ये चार फायदे हैं। पहला हमने पढ़ा इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल, फ्यूल एंड फॉडर प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। एग्री सिल्वीकल्चर से मतलब है कि एग्रीकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर कृषि और उसके साथ साथ सिल्वीकल्चर यानी कि ट्रीज़। तो यहाँ पे 2 स्पीशीज़ ग्रो कराई जाती हैं, एक तो क्रॉप और दूसरी ट्रीज़। तो ट्रीज़ और क्रॉप यहाँ पे ग्रो कराने का ये उद्देश्य है क्योंकि हमें एक तो फसलों से उत्पादन मिलेगा, दूसरा वैल्यूबल टिम्बर से। यहाँ पे हम फॉडर स्पीसीज ग्रो नहीं कराते, हम यहाँ पे वैल्यूबल टिम्बर ग्रो कराते हैं। ये एक इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, तो इसमें जो क्रॉप्स हैं उनके बीच में एक कंपटीशन भी बना रहता है, एक वाटर के लिए, लाइट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए। तो इनका आपस में कॉम्पिटिशन इस सिस्टम में होता रहता है और ये तब तक ये सिस्टम को रखा जाता है जब तक जो पेड़ों की जो कैनोपी है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो जाती। जब वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी कैनोपी, तो फिर लाइट के लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो सिर्फ ये तब तक ही कराई जाती है जब तक जो टिम्बर हैं वो बहुत अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाते, उनकी कैनोपी ब्रॉड नहीं हो जाती और जो फसल हैं तब तक वो अच्छे से
पूरी हार्वेस्ट के लिए तैयार नहीं हो जाती। तो ये सिस्टम एक किसी गवर्नमेंट लैंड पे ये सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है ताकि एक इनकम जनरेट होता रहे वैल्यूबल टिम्बर प्लस कुछ वैल्यूबल क्रॉप स्पीशीज से। और दूसरा है सिल्वी पास्चर सिस्टम, सिल्वी प्लस पास्चर। सिल्वी यानी कि सिल्वी कल्चर यानी कि ट्रीज, जिसमें हम ट्रीज और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा कि पास्चर यानी कि एनिमल्स। तो इसमें हम ट्रीज के साथ साथ कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स को भी शामिल करते हैं। इसमें ट्रीज़ को हम इसमें ट्रीज़ हो सकती हैं, फॉडर स्पीशीज़ भी हो सकती हैं और वैल्यूबल टिम्बर भी ग्रो करा सकते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स बिल्कुल नहीं होंगी, इसमें सिर्फ फॉडर ग्रासेस होती हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए आसान रहती हैं। और इसमें जो ग्रेजिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल वे में नहीं होती, इसका भी एक समय होता है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही इनको ग्रेज कराया जाता है। और ये ध्यान में रख के कराया जाता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैटल्स वहाँ पे ग्रेज ना करें, इससे क्या होगी फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। तो इस सिस्टम में हम वैल्यूबल टिम्बर या फिर उसको फॉडर स्पीशीज़ भी बोल सकते हैं, वो भी ग्रो करा सकते हैं, उसके साथ साथ हम डोमेस्टिक एनिमल्स को शामिल करते हैं। तीसरा है एग्री सिल्वी पास्चर, यानी कि एग्रीकल्चर, सिल्वी कल्चर और पास्चर। तो इन तीनों को जब हम एक साथ यूज़ करते हैं उसे एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम कहा जाता है। यानी कि फसल भी हम ग्रो कराएंगे उसमें, ट्रीज भी हम ग्रो कराएंगे उसमें और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेज भी कराएंगे। यानी कि जब तक क्रॉप उसमें ग्रो हो रही हैं तब तक डोमेस्टिक एनिमल्स को नहीं आने दिया जाएगा। जैसे जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो जाएंगी, हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगी, तो उसके बाद उन्हें उसमें ग्रेजिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। और साथ साथ में सिल्वी कल्चर यानी कि ट्रीज़ को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो ट्रीज़ यहाँ पे वैल्यूबल टिम्बर भी हो सकती है, यहाँ पे फॉडर स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, यहाँ पे फ्रूट्स भी हो सकता है और कुछ फ्यूल वुड जो स्पीशीज़ हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ ट्रीज़ का यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ है मल्टीपर्पज़ ट्री सिस्टम, जिसमें हम फ्यूल, फॉडर, फ्रूट और नाइट्रोजन टिम्बर के बारे में पढ़ते हैं। अब लास्ट में बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीसीज़ की जिन्हें हम एग्रीफॉरेस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्पीसीज़ हैं फॉडर स्पीशीज़, जो फाइकस है, बहुनिया वेरिगाटा है, सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस। इन स्पीशीज़ को हम फॉडर स्पीशीज़ कहते हैं क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा फॉडर मिलता है। तो इन स्पीशीज़ को हम एग्री पास्चर सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिमिलरली वैल्यूबल टिम्बर स्पीसीज़ हैं जिनसे सिर्फ एक अच्छा टिम्बर हमें मिल सकता है, तो उन स्पीशीज़ को भी हम ग्रो कर सकते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में, जिसे हम एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं और सिल्वी पास्चर सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो स्पीसीज़ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं यानी कि जिससे सॉइल की रिचनेस बढ़ेगी, तो उन स्पीशीज़ को ग्रो कराना बहुत ज़रूरी है, वो स्पीशीज़ भी हम एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में ग्रो कर सकते हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे यूकिलिप्टस स्पीशीज़, पॉपुलस स्पीशीज़ हैं, वो विंड ब्रेकर की तरह काम करती हैं, यानी कि जो छोटे क्रॉप्स हैं उनको तेज आंधी आने से उन्हें बचाया जा सकता है। यानी कि बहुत तेज़ हवा जब होती है तब उनको टूटने से बचा सकती हैं, तो ऐसी स्पीशीज़ ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर है फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स स्पीशीज़ जितनी हैं उन्हें ग्रो कराने से मतलब है कि सीधे आपकी इनकम जनरेट होने से मतलब, यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रूट स्पीशीज़ बढ़ेंगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। और उसके साथ साथ फ्यूल वुड स्पीशीज़ भी ग्रो कराना बहुत ज़रूरी है, जो हम एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में ग्रो करा सकते हैं, जिससे जो लोकल पीपल्स हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी। सो गाइस, आई होप आपको एक टॉपिक पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।